हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के इस सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ डाउट्स को सॉल्व करेंगे जो कि प्रॉब्लम सेट से है। तो आइए, यहाँ पर कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट्स के बारे में डिस्कस किया था कि सर हमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस में डाउट है। तो मैं यहाँ पर प्रॉब्लम सेट के सारे क्वेश्चंस तो नहीं कराऊँगा, आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है आप प्लीज़ मेरे साथ उसको डिस्कस कीजिए और मैं उस डाउट के वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के 7 में आप प्रॉब्लम सेट में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो 7 है बहुत ही सिंपल है बेटा, खाली आपको इसको समझना है। आपका लेफ्ट हैंड साइड दिया है sec टू द पावर 6x माइनस 10 टू द पावर 6x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करना है 1 + 3 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर x। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या दिया है, सेक्स टू द पावर 6x माइनस 10 टू द पावर 6x। तो एक चीज ना आप अपने ये दिमाग में बात बिठा लो, जब भी पावर आपको 6 कि 2 से ज़्यादा दिया है, अगर क्यूब में दिया है तो ठीक है हम उसको डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन 2 या 3 से ज़्यादा दिया है, किसी भी टर्म का पावर 3 से ज़्यादा है, 4 है, 6 है, ऐसे आएगा एग्ज़ाम में, आप उसको तुरंत स्क्वायर के फॉर्म में ले लो। तो मैं इसे यहाँ पर सेक टू द पावर एक्स का होल क्यूब ले लूँगा, क्योंकि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो बेटा सेक टू द पावर 6x ही आएगा। एम आई राइट? नो, देखो ना 2 × 3 = 6 ही आने वाला है। 10 को भी आप चाहो तो ऐसे ले लो, 10 to the power 2x का होल क्यूब। अब देखो दोनों टर्म को मैंने स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में ले लिया। क्यों मैंने क्यूब के फॉर्म में लिया, क्योंकि बेटा मुझे स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी मुझे पता है, लेकिन 6 पावर है तो सर क्या फॉर्मूला लगेगा, कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले हमेशा जिसका भी पावर 2, 3 से ज़्यादा है आप उसको सबसे पहले स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में ले आइए, जैसे कि मैं यहाँ पर ले आया हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा, अब जैसा कि मुझे पता है कि sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, तो आप मुझे ये बताओ आइडेंटिटी में 1 + tan² θ इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। आपको याद होगा मैंने शुरू से बोला आइडेंटिटी नहीं याद करोगे ट्रिग्नोमेट्री, बट आप करो ही मत, मैं बोलता हूँ आप करो ही मत, अगर आइडेंटिटी नहीं याद होता है छोड़ दो ट्रिग्नोमेट्री। तो एक चीज आपको समझ में आ गया, sec स्क्वायर थीटा किससे इक्वल है, 1 + tan² θ से। तो यहाँ पर थीटा किससे रिप्लेस है, x से। तो मैं sec स्क्वायर की जगह 1 + tan² x लिख सकता हूँ। तो आइए ले लेता हूँ 1 + tan² x का होल क्यूब माइनस, अब बेटा मैं इसको एज इट इज होल क्यूब आएगा, ये वाले टर्म को मैं कुछ भी नहीं करने वाला, यहां पर मैं कोई आइडेंटिटी नहीं लगाने वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं इस टर्म को इलेबोरेट करूंगा, जब फॉर्मूला में पुट करूंगा, तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। आपको देख के समझ में आ रहा होगा, अभी तो नहीं होगा, आने वाले 2-3 स्टेप में वो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं। अब आप ये टर्म कैसा है बेटा, देखो क्यूब तो क्यूब है, लेकिन sec स्क्वायर जो है वो 1 + tan² बन गया। कैसे? फ्रॉम आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी आप यहां लगाइएगा, वो तो आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अच्छा, अब मैं अगर आपको बोलूं बेटा मान लो कि ये टर्म जो मेरा a है प्लस ये जो टर्म है ये मेरा b है, और a प्लस b का क्या लग रहा है बेटा, यहां पर क्यूब लग रहा है ना बेटा, तो a प्लस b का क्यूब क्या फॉर्मूला है, तो मैं इसे यहां मिटाकर यहां लिख दूं, मुझे लगता है ज्यादा बेटर होगा, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए, a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस
3ab² + b³। आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसे याद कर लो। आपको बस ये वाले टर्म को इसी फॉर्मूला में डाल दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको इस फॉर्मूला में डाल देता हूँ। कौन से फॉर्मूला में डालूंगा? ये फॉर्मूला में। ये टर्म क्या है मेरा, वन को मैंने किससे रिप्लेस किया है, ए से रिप्रेजेंट किया है, और 10² x को किससे रिप्रेजेंट किया है, बी से। तो चल बेटा, चलो बेटा इसको हम लोग फॉर्मूला में डालते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए पहला क्या है, ए का क्यूब, यानी ए का क्या है वैल्यू, 1 है, तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए यानी कि 1 है ना, ए यानी कि 1 का स्क्वायर, इंटू बी, बी यानी कि 10² x, 10² x प्लस 3 इंटू ए, ए यानी कि 1 इंटू बी का स्क्वायर, बी यानी कि 10² का स्क्वायर, क्योंकि बी टर्म ऑलरेडी आपका स्क्वायर में है, बी टर्म जो है वो ऑलरेडी स्क्वायर में है, और यहां मुझे बी का स्क्वायर लेना है, यानी जो बी आपका स्क्वायर में है उसका स्क्वायर लेना है, प्लस बी का क्यूब, बी यानी कि 10² x का क्यूब, 10² x का क्यूब, उसके बाद माइनस 10² x का क्यूब, है ना बेटा। अब बोलोगे सर काफी लंबा स्टेटमेंट हो गया, बेटा कुछ भी लंबा नहीं है, मैंने सिर्फ इसको फॉर्मूला में पुट किया है, मैंने इस ये जो ब्रैकेट में 1 + 10² x है इसको मैंने सिर्फ फॉर्मूला में पुट किया, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट बन गया। एनीवेज, और लास्ट में क्या है, -10² x^3, ये मैंने लिख दिया। अब एक चीज आप यहाँ देख लो, ये देखो 10² का होल क्यूब ये पॉजिटिव में है, 10² x³ ये नेगेटिव में है, तो ये दोनों टर्म आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 का क्यूब 1 होता है बच्चा, प्लस यहाँ 1² 1 होगा और 3 से मल्टीप्लाई होके 3, और यहाँ है 10² x प्लस 3 1 जा 3, और यहाँ है 10² x² और अगर आप चाहो तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, आ जाओ निकाल दो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लेकिन देखो 2 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि देखो 3 10² x यहाँ भी है, 3 10^4x यहाँ भी है, तो यहाँ पे 10x कितनी बार है, 2 टाइम, यहाँ पे 10x कितने टाइम है, 4 टाइम। पहले तो जो देखो 3 3 दोनों टर्म, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा, मैं दोनों का कॉमन टर्म बाहर ले रहा हूँ, यहाँ दोनों में से मुझे क्या कॉमन मिल सकता है आप बताओ, ये दोनों में से मुझे क्या कॉमन मिल सकता है, एक तो 3 मिलेगा, चलो मैं 3 बाहर ले लेता हूँ ब्रैकेट में, क्या होगा, अभी ब्रैकेट मत लगाओ, क्योंकि देखो 10x यहाँ 2 टाइम है वो भी बाहर ले सकता हूँ, 10x यहाँ 4 टाइम है वो 4 टाइम में से 2 टाइम बाहर ले लूंगा, और ये 2 टाइम तो आ ही जाएगा, तो 3 10² x में से मैंने यहां से, मतलब आप देखो तो ब्रैकेट के बाहर ये पूरा ही टर्म बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, ओनली 1, कुछ बचा ही नहीं, तो हम 1 लिखेंगे, ऐसा तो नहीं कि वहां कुछ भी नहीं लिखेंगे, कुछ तो लिखना पड़ेगा, प्लस यहाँ क्या बचा, 10² x यही बचा, ठीक है बेटा। तो अब आप जैसा कि आइडेंटिटी में जानते हो 1 + 10²θ क्या होता है, sec²θ, तो आप इसकी जगह ये लिख दो 1 + 3 10² x इंटू sec²x, ये पूरा टर्म आइडेंटिटी से रिप्लेस हो गया बेटा, देखो ये आइडेंटिटी यहाँ पर है, रिप्लेस हो गया, मेरा राइट हैंड साइड भी यही है 1 + 3 sec², यहाँ पे 10² है, कोई बात नहीं बच्चा आप इसको चेंज कर लो, देयरफोर क्या था, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 1 प्लस 3 सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। मैंने बस इसको रिप्लेस कर दिया है, टेन एक्स को इंटू के यहां भेज दिया है और सेक्स स्क्वायर को यहां ले लिया। ये इंटू का साइन है बेटा, इसको हम इंटू भी बोलते हैं, डॉट भी लगा सकते हो, विच इज इक्वल टू माई राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम इस सम्स को बड़े आसानी से प्रूफ कर सकते थे। तो आई होप आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई होगी। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो बेटा इस वीडियो को फिर से रिपीट करना, मेरे सारे स्टेप्स को देखना। इसमें एक सिर्फ दो चीज़ गौर करने वाली है, एक तो है आपकी आइडेंटिटी जो आपने लगाई। पहले तो इसको स्क्वायर फॉर्म में लिया और आपने आइडेंटिटी से इसको इस फॉर्म में लाया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। बस उसके बाद आपने क्या किया है, खाली टर्म्स को एलिमिनेट किए और जो कॉमन टर्म मिला उसको ब्रैकेट के बाहर ले लिया। अच्छा, यहाँ पर बच्चे स्ट्रगल कर सकते हैं कि सर इसमें से आपने 3 स्क्वायर एक्स कैसे बाहर ले लिया। ये बड़ा बहुत सिंपल वाला मेथड है, अगर इसमें भी कन्फ्यूजन हो तो पूछना मुझसे, मैं इंडिविजुअली फ़ोन करके समझा दूंगा। बट फिलहाल तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कीजिएगा। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ही सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां पर आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में है 10^3 या 10³ भी आप इसे बोल सकते हो, 10³ - 1 अपॉन 10θ - 1 इज इक्वल टू sec²θ + tan²θ। तो हम देखो यहाँ पर आपको ये भी क्यूब में दिया हुआ है, दूसरे टर्म का भी क्यूब होना चाहिए कि नहीं, अभी मैंने आपको बताया था दोनों टर्म अगर स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लो, क्यूब में है तो क्यूब में लो, तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो मैं इसको चलो दोनों टर्म को क्यूब में ले लेता हूँ। कैसे ले सकता हूँ, जो दिया है 10³θ - 1³ अपॉन 10θ - 1। मैंने क्या किया, 1 का भी क्यूब ले लिया, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप इसको रिप्रेजेंट कर लो फिर से। ये जो पूरा टर्म है ये क्यूब है, जो किससे इसको ए रिप्लेस करता है या ए रिप्रेजेंट करता है, और ये जो मेरा 1 है 1 का क्यूब, ये रिप्लेस हो रहा है बी के क्यूब से। तो ये अगर फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अब आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का क्या फॉर्मूला है। इसके पहले हमने a प्लस बी का होल क्यूब किया था, यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो इसका एक्सपांशन ऐसा है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक्सपांडेड फॉर्म है बेटा, ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ए किसको रिप्लेस कर रहा है, 10θ को, बी किसको रिप्लेस कर रहा है, 1 को। तो चलो इसको एक्सपांड करते हैं इस फॉर्मूला से। तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, ए माइनस बी, ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10θ को। सो माय 10θ - 1 ये हो गया ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी है, बी किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, 10θ को। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि 10²θ प्लस ए इंटू बी, ए क्या है आपका 10θ इंटू बी, बी क्या है आपका 1 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है आपका 1 का स्क्वायर। चलिए अपॉन में तो लिखा ही नहीं मैंने, अपॉन वाला टर्म भी लिख लेते हैं, अपॉन में है 10θ - 1, अपॉन में यही है। तो क्या फिर से आपको कोई कॉमन टर्म इसमें दिख रहा है, द आंसर इज येस, दिस इज माई 10θ - 1 एंड दिस इज माई 10θ - 1 विल बी कैंसल्ड।
Now what is left over here? 10 square theta plus 10 theta into 1 क्या होगा बेटा? ये होगा मेरा 10 theta plus 1 का square क्या होता बेटा? 1 का square 1 होता है. तो मैं इसे कुछ आगे पीछे रीअरेंज कर लूं. और मैं क्यों आगे पीछे रीअरेंज कर रहा हूं? आपको समझ में आ गया होगा कि 10 square theta plus 1 किससे इक्वल है? sec square theta से. और वही मुझे sec square theta लाना है, क्योंकि 10 square theta तो मुझे मिल गया. 10 square theta, हाँ, यहाँ पे sec square theta, यहाँ पे शायद only 10 theta है क्या बेटा? देख लेना क्वेश्चन में क्या है. हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे सिर्फ 10 theta आएगा, 10 square theta नहीं है. तो 10 theta, 10 theta तो मिल गया. 1 plus 10 square theta भी मिल गया है. और 1 plus 10 theta square क्या होता है? sec square theta. तो आप इसे रीअरेंज कर लो. my 10 square theta plus 1 plus 10 theta which is equal to sec square theta plus 10 theta. रीजन दे दो. रीजन क्या दोगे? since we know that that is 1 plus 10 square theta is equal to sec square theta from identity, and that this is what my right hand side, hence we have proof. So देखा कितना simple, बहुत आसान है. यहाँ पर सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी थी कि जो term आपका cube में है, एक term है, आपने दोनों को पहले क्या किया? cube में ले लिया. क्यूब में लेने के बाद आपने सिर्फ ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इसी फॉर्मूला में इसको पुट किया है, और कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. आप खुद देखो ना बेटा, मैंने दोनों टर्म को क्यूब में लिया. क्यूब में लेने के बाद ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब के फॉर्मूला में पुट किया है, उसको एक्सपांड कर दिया, जो टर्म कट सकते थे एलिमिनेट किया, और आइडेंटिटी लगाकर मैंने इसको राइट हैंड साइड से इक्वल प्रूफ कर दिया. तो इस सेशन में, आई मीन इस क्वेश्चन में इतना ही है. तो बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10. इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बोलूं, चाहता हूं कि आप इसको मेरे साथ साथ सॉल्व करें, बिकॉज कि ये थोड़ा सा लेंथी है. तो बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल, बहुत आसान है. लेकिन मेरे पास स्पेस कम होने के कारण हो सकता है मुझे, क्योंकि अपॉन में है तो स्पेस ज़्यादा लेगा, तो आप मेरे साथ इसे करिए. तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्या दिया है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1. ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड को, और इसको कुछ इस तरीके से हमें सॉल्व करना है कि वो राइट हैंड साइड में जो 1 अपॉन sec थीटा है माइनस 10 थीटा है वो आ जाए. तो यहाँ तो ना तो कोई टर्म स्क्वायर में है, ना क्यूब में है, ना कुछ भी है. तो क्या कर सकते हैं कि जो साइन और कॉस है वो सेक और टेन में बदल जाए? सोचो, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ. अगर मैंने इस पूरे इक्वेशन को कॉस से डिवाइड किया, देखो कॉस से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? साइन अपॉन कॉस आ जाएगा. साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन होता है. ठीक है, कॉस अपॉन कॉस कट जाएगा, टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, फिर बचेगा वन अपॉन कॉस. कॉस से डिवाइड करने का मतलब है कि सारा टर्म मेरा कॉस से डिवाइड होगा, 1 2 3 तीनों टर्म. तो ये टर्म तो एलिमिनेट हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा से, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा टेन थीटा, और ये जो वन अपॉन कॉस थीटा आएगा वो क्या होता है बेटा? वन अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेक थीटा. पढ़ा है ना रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? तो देखो सारी चीजें बेटा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रिलेशन पर, आइडेंटिटी पर आकर खत्म होती है. तो मैं हर बार आपको कहता हूं, अगर आपने ये तीनों चीजें नहीं की हैं तो भैया ट्रिग्नोमेट्री आपके पल्ले या आपके बस के बाहर की बात है. तो चलो ठीक है, जिन बच्चों ने ये किया है ये उनके लिए मैं करता हूं. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड बेटा लिख कर अपना स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करना चाहता, वैसे भी मुझे स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ. तो मैं क्या करने वाला था, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में
कॉस से डिवाइड करने वाला हूं, तो कॉस से डिवाइड करूंगा तो ये कैसा हो जाएगा देख लो, मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर ये है माइनस, दूसरा टर्म है कॉस थीटा, उसको भी कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा, प्लस वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन, निकाल दे, अब नीचे वाला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा। बच्चे लोग रीजन क्या दोगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मैंने एन एन डी लिखा है, एन डी, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, और मैंने क्यों कॉस थीटा से डिवाइड किया आपको बता दिया है मैंने, कि राइट हैंड साइड में मुझे सेक थीटा और टेन थीटा चाहिए, कुछ और चाहिए होता तो शायद मैं किसी और चीज से मल्टीप्लाई कर, आई मीन डिवाइड करता, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो ये टर्म एलिमिनेट होके कितना आ जाएगा वन, और ये कॉस थीटा भी एलिमिनेट होके हो जाएगा वन, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगा आपका टेन थीटा माइनस वन प्लस वन अपॉन कॉस, क्या होता है बच्चा वन अपॉन कॉस होता है सेक थीटा अपॉन, ये भी साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा टेन थीटा प्लस वन, और प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है, आई एम सो सॉरी, माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पे आप रीजन दे दो, सिंस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एंड वन अपॉन सेक थीटा, आई मीन वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रिलेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले लूं चलेगा, इसको मैं यहां ले ले रहा हूं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब देखो, अब यहां पर मेरे को मेरे पास टेन थीटा सेक थीटा, देखो डिनोमिनेटर में जो चाहिए वो आ रहा है, अब जो नहीं टर्म चाहिए उसको मुझे यहां से भगाना है, तो इसको भगाने के लिए क्या करूंगा, मैं कुछ तो वैल्यू यहां पर मैं लूंगा, किसकी मदद से, आइडेंटिटी की मदद से। तो वो आइडेंटिटी क्या है, देखो बेटा आइडेंटिटी आप जानते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा से इक्वल होता है, सो देयरफॉर माय वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है ना, अगर मैं ये पॉजिटिव टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पर लेकर जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, इस इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, ओनली वन। तो यहां पे वन कहां पर है, दो जगह है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, लेकिन न्यूमरेटर में माइनस वन है, तो माइनस वन तो किसी की वैल्यू होती नहीं है, हाँ प्लस वन होती है किसकी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से, तो मैं इस वन को इस टर्म से रिप्लेस कर दूं तो चलेगा ना, फिर आप नहीं पूछोगे ना सर ये वन की जगह आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कहां से मिला, तो ये मुझे आइडेंटिटी से मिला, मैंने उसको सिंप्लीफाई किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूमरेटर वाला टर्म एज इट इज रहेगा, उसे छेड़ेंगे नहीं, मैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन ये वाला टर्म तो बेटा एज इट इज आ जाएगा ना, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, उसके बाद क्या प्लस ये टर्म आ जाएगा, क्या है ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एम आई राइट बच्चों, हाँ सर विल बी नेवर रॉन्ग,
ऐसा नहीं होता, समटाइम हम सभी मिस्टेक हो जाती है, तो चलिए कोई बात नहीं। अब आपको इतना समझ में आ गया बेटा कैसे किया मैंने, मैंने सबसे पहले क्या देखा, राइट हैंड साइड पे sec और tan चाहिए था। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी इसी मिटाने वाला हूँ। मुझे राइट हैंड साइड पे sec tan चाहिए था, sec और tan के लिए मुझे cos थीटा से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना पड़ा। जैसे cos थीटा से डिवाइड किया मुझे tan और sec मिल गया। अब यहाँ पर से मुझे जो टर्म्स नहीं चाहिए उसे एलिमिनेट कर रहा हूँ। मुझे डिनोमिनेटर में क्या नहीं चाहिए था, यहाँ से डिनोमिनेटर में वन नहीं चाहिए, मुझे वन नहीं चाहिए। और एक चीज़ आप देखो, मुझे tan थीटा यहाँ नेगेटिव में चाहिए, sec थीटा पॉजिटिव में चाहिए। यहाँ पे उल्टा है, sec थीटा नेगेटिव में है और tan थीटा पॉजिटिव में है। तो एक चीज़ क्या करना होगा, मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा। जो sec थीटा है मुझे इसको पॉजिटिव लाना है और tan थीटा है मुझे इसको नेगेटिव लाना है, और साथ ही साथ ये वन को भी एलिमिनेट करना है। तो वन को तो मैंने एलिमिनेट आइडेंटिटी से ये कर दिया इस तरीके से, इतना तो सिंप्लीफाई मैंने कर दिया है। अब आगे क्या करते हैं, आइए देखते हैं। मैं ये यहां से मिटा देता हूं। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। हाँ, स्क्रीनशॉट भी तो ले सकते हो, इसी में तो आप लोग माहिर हो, है ना बच्चों? सर इज ऑलवेज राइट। ना ना, ठीक है। तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा। न्यूमरेटर में है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस वन अपॉन। बेटा एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करो कि ये जो sec स्क्वायर थीटा है माइनस tan स्क्वायर थीटा है, इसको अगर मैं a और tan वाले को b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला में ले लूँ, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट में इंटू ए प्लस बी। यानी इन दोनों को एक बार माइनस में ले लो और इन दोनों को एक बार प्लस में ले लो। तो आ जाओ, अच्छा ये टर्म को मुझे क्या करना था, माइनस में लेना है ना बेटा, उल्टा। तो इसको मैं ब्रैकेट के बाहर माइनस ले लूंगा, और जो sec थीटा नेगेटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा ना, और ये जो tan थीटा पॉजिटिव है इसको मैं माइनस tan थीटा ले लूंगा। अच्छा ये मैंने किस तरीके से इसको इन्वर्स कर लिया, बेटा जब भी आप टर्म इन्वर्स करोगे तो साइन तो चेंज होगा ही। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करो तो क्या होगा, माइनस sec थीटा, जो कि आपका sec थीटा माइनस में है तो माइनस sec थीटा ही आएगा, और जो tan थीटा यहाँ पॉजिटिव है, देखो माइनस माइनस जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो tan थीटा ऑलरेडी पॉजिटिव होने वाला है। तो मतलब क्या है, मैंने इसको खाली रीअरेंज किया है, वैल्यू या साइन नहीं चेंज कर दिया, मैंने खाली इसको रीअरेंज कर दिया। तो माइनस का साइन मैंने बाहर कर दिया, क्यों कर दिया आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सपांड करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये होगा sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है बेटा। अभी ये कहाँ से मिला बेटा, मैंने बताया ना ये sec स्क्वायर थीटा आपका a है और tan स्क्वायर थीटा आपका b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ रीजन दे सकते हो, क्या रीजन दोगे, a स्क्वायर माइनस b, ये अपॉन के ऊपर मत लिखना, वो रीजन है, डॉट 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 दे रहा हूँ मैं, होता है आपका a माइनस b एक ब्रैकेट में और a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में, मेरे पास स्पेस नहीं है इसीलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब न्यूमरेटर एज इट इज चलता रहेगा आपका, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस वन अपॉन अपॉन। एक चीज बेटा आपने इसमें गौर किया, sec माइनस tan, इधर प्लस का साइन है, ये अलग टर्म है और ये पूरा अलग टर्म है, तो इन दोनों में मुझे कॉमन क्या मिला, यहां से sec थीटा माइनस tan थीटा, यहां से भी sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन टर्म मिला, तो इसको मैं ब्रैकेट के बाहर ले लूं, sec थीटा माइनस tan थीटा, ये ब्रैकेट के बाहर आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बेटा, अब देखो sec थीटा माइनस tan थीटा ये तो एज इट इज आ गया, अब यहां पे लिखने के लिए कोई टर्म बचा नहीं, तो क्या लिखते हैं, वन। सब बच्चे वन लिख के आगे बढ़ जाते हैं, बेटा बाहर माइनस का साइन है,
तो ये जब पूरा टर्म जब मैंने वन एज्यूम कर लिया तो ये माइनस तो आएगा ही ना इसके साथ बेटा, माइनस कहाँ चला जाएगा, माइनस तो उसके साथ आना ही है। तो यहां से तो ये पूरा टर्म मेरा बाहर आ गया, तो यहां कुछ बचा नहीं तो वन ले लिया, साइन जो था वो लगा दिया, यहां से ये टर्म बाहर चला गया, यहां क्या बचा, प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना बच्चा। ये प्लस का साइन बेटा ये वाला है, ये तो टर्म बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, अब यहां कुछ बचा नहीं लिखने के लिए इसलिए वन लिखा, वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट टर्म को लास्ट में लिख देता हूं। चलो हो गया बेटा आपका सम हो गया, बस खत्म। आप बोलोगे अरे सर बड़ा लेंदी सम करा दिया, कुछ लेंदी नहीं है बेटा, खाली इसको एक्सपांड करने में इतना आपको लग रहा है, वरना सम्स में कुछ भी नहीं है, सम्स में कुछ भी नहीं है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में कर दो चाहो तो, हाँ, और दूसरे ब्रैकेट में टेन थीटा पहले ले लो चाहिए तो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन। तो फिर आपको क्या दिखा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ दिखा, तो आंसर इज यस सर, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, ये दोनों के दोनों टर्म आपके एलिमिनेट हो गए। तो न्यूमरेटर में तो कुछ बचा ही नहीं बच्चा, न्यूमरेटर में बचा सिर्फ और सिर्फ वन, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, डिनोमिनेटर में बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसी चीज की हमें जरूरत थी, और इस तरीके से मुझे मेरा राइट हैंड साइड मिल गया। सो आई होप अच्छा आपको ये स्टेप्स बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, या चलो आप मेरा इसे चैलेंज समझ लो, इस वीडियो को आप जो भी मैंने सम्स कराए सिर्फ 3 बार रिपीट करके चलाना, उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो डेफिनेटली समझ में आएगा ही आपको, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही सिंपल सम्स है, आप इसे देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ सकेंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझने में जो टाइम लग जाए। जैसे अ लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ फायर ब्रिगेड वैन, आपने देखा फायर ब्रिगेड की गाड़ी, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है जो आग बुझाने वाली, उसे हम फायर ब्रिगेड वैन कहते हैं। तो आग बुझाने वाली गाड़ी के ऊपर एक लैडर होता है जिसे खोलकर, और उसमें मल्टीपल स्क्रूज पे वो लैडर होते हैं जो एक के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे ये लैडर है, एक इतना खुलता है तो दूसरा जो है वो आप मान लो कि ये एक आपका वैन हो गया, फाइन। इस वैन के ऊपर लैडर यहाँ से कंटिन्यू होता है, और फिर इस लैडर को और ज़्यादा अगर एक्सटेंड करना होता है तो इसमें से खुलता है और इसके पार्ट होते हैं, और अगर ज़्यादा हाइट पर इसे जाना होता है तो और इसमें से लैडर आगे एक्सटेंड होते हैं। तो लैडर में भी कई तीन 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 से चार लैडर के टुकड़े आपस में जोड़े गए होते हैं कि जिस हाइट की रिक्वायरमेंट हो उस हाइट तक लैडर को पहुंचाया जा सके। अब जैसे कोई लैडर की जो लेंथ है जो यहाँ पर दी है उससे हम बात करते हैं, तो ये कहता है कि अ लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द फायर ब्रिगेड वैन कैन बी एलिवेट एट द एंगल ऑफ 70 डिग्री टू द मैक्सिमम। आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड की कार पर जो लैडर होता है शुरू शुरू में ऐसा रखा होता है, वो तो बाद में वो खोला जाता है और फिर उसको एक्सटेंड किया जाता है। तो यानी कि जब वो लैडर को स्टार्ट किया जा रहा है खोलकर किसी हाइट तक पहुंचने के लिए, तो वो मैक्सिमम 70 डिग्री तक ही खुल सकता है, पूरा आप सोचो कि 90 डिग्री हो जाए इतना लैडर नहीं खुलेगा, लैडर इतना ही खुलेगा। जैसे वैन में लैडर भी रखे होते हैं, बटन से जब उसे ऑन करते हैं तो वो 70 डिग्री, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, 70 डिग्री तक ही वो लैडर खुलेगा, उसके बाद एक्सटेंड होगा
जिस हाइट तक उसे जाना है. सो द लेंथ ऑफ द लैडर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर. मतलब कि एक तो लैडर जो है वो 70 मीटर के एंगल तक ही खुलेगा, उसके बाद ये 20 मीटर तक ही एक्सटेंड किया जा सकता है इसे. जैसे लैडर 70 डिग्री एंगल पर खुल गया और इसे एक्सटेंड करके 20 मीटर हाइट तक इससे पहुंचा जा सकता है, इतनी ही इसकी कैपेसिटी है. इफ द प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर अबव द ग्राउंड. अब आप जानते हैं कि जो गाड़ी होती है, जो स्टेयर केस, तो बेटा गाड़ी के ऊपर से स्टार्ट होता है, गाड़ी की ये ऊपर से स्टार्ट होता है, तो ये इतना तो हाइट जमीन से तो उठा हुआ है लैडर का, तो ये वही कहता है कि जो गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है वो 2 मीटर है. तो चलो मैं इसको अब आपको ना डायग्राम से समझाता हूँ. 2 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन बी रीच. तो आप ये बताओ कि लैडर का जो रीच है वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई तक वो रीच कर सकता है. तो आप मान लो ऐसा कि ए बी ग्राउंड सरफेस है पहली चीज, और ए बी सी डी एक वैन है ना, ग्राउंड के ऊपर ए बी सी डी एक वैन खड़ी है, और वैन का जो लैडर है यहां से वो 20 मीटर तक की हाइट तक रीच कर सकता है. ठीक है, ऐसा जो इसने बोला है 20 मीटर की हाइट तक वो लैडर जो है रीच कर सकता है, और जो प्लेटफॉर्म है ये जो वैन है फायर ब्रिगेड का, इसका जो ये प्लेटफॉर्म है वो 2 मीटर अबव है ग्राउंड से, ये जो ग्राउंड है इससे 2 मीटर की ऊंचाई पर है. तो बोलता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच लैडर कैन रीच. तो लैडर कहाँ तक गया, मान लो पॉइंट ई तक जा रहा है लैडर, लैडर जो है पॉइंट ई तक जा रहा है. तो आप इसका हाइट बताओ कि ये जो लैडर है ये कितने हाइट तक जा रहा है ग्राउंड से, ना कि प्लेटफॉर्म से. और आपके पास जो डेटा है, देखो ये 2 मीटर होगा तो ये भी 2 मीटर होगा, क्योंकि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है ना गाड़ी का. तो आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी सी डी रेक्टेंगल है जिसमें आपका यही जो एंगल है, जो लैडर एंगल है वो 70 डिग्री तक ही खुलता है, और आपको फाइंड करना है अपोजिट साइड. देखो थोड़ा तो हाइट मुझे मिल गया है जमीन से प्लेटफॉर्म तक का, अब मुझे प्लेटफॉर्म से जहां तक वो लैडर रीच कर रहा है वो हाइट ढूंढनी है. तो उसको मैंने एक्स से रिप्लेस किया हुआ है, और मुझे एंगल यहां पर सी दिया हुआ है. तो सी का ये अपोजिट एंगल है और दिया हुआ, और अपोजिट एंगल बोल रहा हूं, अपोजिट साइड है, और जो दिया है वो हाइपोटेनस साइड है. तो अब आप मुझे बताओ अपोजिट और हाइपोटेनस पे कौन सा आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोगे. थोड़ा सा अकल लगाना यार, क्वेश्चन में दिया है साइन 70 का वैल्यू क्यों दिया, अरे पता है 70 ही लगने वाला है. ठीक है, तो 70 की वैल्यू भी वहां पर दे रखी है, तो आपको खाली अपोजिट अपॉन हाइपो लेना है, 70 की वैल्यू दी है, बस मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम खत्म हो गया. आइए अब मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है बेटा, मैं आपको इसको नोटबुक पर कराता हूँ स्टेप वाइज. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख रखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने डायग्राम बना लिया है, ए सी डी ई ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया, और ये जो ए से बी है ये लैडर की लेंथ है 20 मीटर, प्लेटफॉर्म का जो हाइट है वो 2 मीटर है. मुझे फाइंड करना है बी सी, क्योंकि सी डी मुझे मिला हुआ है. तो इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आइए लिख लेते हैं कि ई डी किसको रिप्रेजेंट करता है. ई डी रिप्रेजेंट द ग्राउंड लेवल. ठीक है, ए बी किसको रिप्रेजेंट करता है, ए बी रिप्रेजेंट द
लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है। उसके बाद बीडी किसको रिप्रेजेंट करता है, बीडी रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम हाइट। देखो क्वेश्चन में लिखा होगा मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, यहीं से आप अप टू विच लैडर कैन रीच, अप टू विच लैडर कैन रीच, ठीक है बेटा। ठीक है, ए बी, ए ई क्या है, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, ए ई क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। जो जो टर्म मेरा हो सकता था मैंने सारा यहाँ पर आपको लिखकर बता दिया है। ए सी भी प्लेटफॉर्म ऑफ द वैन आप लिख सकते हो, ए सी रिप्रेजेंट द प्लेटफॉर्म ऑफ वैन, ठीक है। तो जहाँ पर, यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया है, देयर फोर एंगल ए, अब एंगल इसमें दो तरीके से बन रहा है, सी ए ई और सी ए बी, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे साइन 70 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट है मेरा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है ना बच्चा। अब साइन 70 की वैल्यू आप देख लो, यहीं दे रखी है, साइन 70 कितना है 0.94, सो देयर फोर माई साइन 70 इज 0.94 इज इक्वल टू बी सी, बी सी मुझे नहीं दिया है तो बी सी की जगह बी सी लिख दो, और ए बी मुझे मिला है 20, तो यहाँ ले लो 20, देयर फोर अब ये 20 0.94 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे बी सी मिल जाएगा, ठीक है बच्चा। सो देयर फोर माई बी सी इज इक्वल टू 18.80 मीटर, इसको आप थोड़ा हाईलाइट कर देना ब्रैकेट में डालकर, ऐसा बॉक्स में डालकर इसको हाईलाइट कर देना, ठीक है। अब मुझे बी सी मिल गया 18.80 मीटर, और ऑलरेडी सी डी मुझे 2 यहाँ पर मिला है, बट ये आपको साबित करना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी, साबित मीन्स प्रूफ करना पड़ेगा कि सी डी भी 2 कैसे मिला। तो आप ये ले लो, इन क्वाड्रिलैटरल ए ए सी डी ई, ए सी डी ई, आप बता दो कि अब ये दोनों ग्राउंड लेवल पर है, ये हाइट है, तो ये दोनों एंगल ऑलरेडी मेरा 90 डिग्री होगा, एंगल ई और एंगल डी दोनों आपस में इक्वल हैं, और ईच एंगल 90 डिग्री, और एंगल सी जो है वो भी 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है बी डी के ऊपर, ऐसा आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे दो, एंगल सी जो है, एंगल सी जो है वो मेरा 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री हुआ, क्योंकि ए सी परपेंडिकुलर है ना बेटा, ए सी जो है ये परपेंडिकुलर है बी डी के ऊपर, यही रीज़न देना है, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, ठीक है। अब आपको देखो ई 90 मिल गया, डी 90 मिल गया, सी 90 मिल गया, बचा ए, तो ए भी क्या होगा बेटा, ए भी आपका 90 डिग्री होगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल, अगर तीन एंगल 90 हैं तो चौथा भी 90 होगा, क्योंकि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल 360 होता है, सो तीन एंगल तो आपको 90 मिल गए, तो जो एंगल ए बचा, नाम लिख दो सी ए बी, सी ए ई नॉट बी,
चलो इसको काट दो. देयरफोर एंगल सी ए ई इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन दे दो, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल. देयरफोर माय क्वाड्रिलैटरल ए सी डी ई इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, आप ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आप डायरेक्टली ले लो. देयरफोर माय ए ई इज इक्वल विथ सी डी. रीजन क्या दोगे? अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, है ना. प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. सो देयरफोर अब आप डाइग्राम में देख लो कि जो बी डी है वो दो सेगमेंट में है. बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी. यहाँ आपको चाहिए तो ए ए ई इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 2 मीटर लिख सकते हो. तो जिससे कि आपको देखो सी डी यहाँ मिल गया, सी डी मिल गया ना बेटा, और बी सी यहाँ में से मिला है. तो सी डी और बी डी ऐड, सी डी और बी सी ऐड करोगे तो बी डी मिल जाएगा. और बी डी ही तो एक्चुअल हाइट है लैडर का ग्राउंड से, और वही मुझे ढूंढना है. देयरफोर माय बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी. रीज़न क्या देंगे? सिंस डी सी बी लाइंग इन द सेम लाइन, दे आर कोलिनियर. देयरफोर माय बी डी इज इक्वल टू 18.80 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 20.80 मीटर. देयरफोर आपको इसको स्टेटमेंट में लिखना होगा, तो आप लिख सकते हो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच इज 20.80 मीटर. और आप इसे इस तरीके से ब्रैकेट में डाल दीजिए तो आपका ये आंसर हो जाएगा. तो अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके, बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम योर प्रॉब्लम सेट. While a landing at an airport, a pilot made an angle of depression of 20 degrees. तो आपको यहाँ पर देखो ऑलरेडी बता दिया कि एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो 20 डिग्री का है. एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वॉज 200 किलोमीटर पर आवर. उसकी जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है पर आवर की. द प्लेन रिच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड. मतलब क्या कह रहा है कि प्लेन का जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर है, और वो उसी एवरेज स्पीड से 54 सेकेंड्स के अंदर ग्राउंड पे रिच कर जाएगा, ऐसा वो कहता है. फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज. तो आप ये बताइए कि फाइंड द हाइट एट विच प्लेन वॉज वेन इट स्टार्टेड लैंडिंग. तो वो कौन सी ऊंचाई पर था जब उसने लैंडिंग करना शुरू किया. तो मान लो कि ए बी ये आपका रनवे है, ठीक है. मान लो वो किसी इस पॉइंट से अपने जहाज की जो है, जिसे आप बोल सकते हो, उसने लैंडिंग यहां से शुरू कर दी, ठीक है. और यहां से जो उसने अपनी लैंडिंग शुरू की है उसकी स्पीड 200 किलोमीटर है,
और यहाँ से इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए वो 54 सेकेंड्स लेता है, यानी ये हो गया इसका टाइम और ये है इसका स्पीड। इस स्पीड की मदद से इतने समय के अंदर वो यहां से यहां पहुंच सकता है। इस पॉइंट को आप ले लो सी, यानी सी एक ऐसा पॉइंट है जहां से प्लेन ने लैंडिंग शुरू की है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से बन रहा है। बच्चे यहां ले लेंगे, सुनो मेरी बात, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से जा रहा है तो आपको पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लेना होगा। तो आप मान लो कि ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से और लाइन ऑफ विजन दोनों के बीच में एंगल बनेगा और वो है 20 डिग्री, और जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है। तो जब ये एंगल 20 है तो आप जानते हो कि सी ई पैरेलल टू ए बी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये प्लेटफॉर्म रनवे है जो कि आपस में पैरेलल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 20 डिग्री हो जाएगा। अब इसने पूछा क्या है बच्चा, इसने पूछा है फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज व्हेन इट वॉज लैंडिंग। तो वो प्लेन की आप मुझे ऊंचाई बताइए जिस समय उसने लैंडिंग शुरू की थी। तो लैंडिंग यहां से शुरू कर रहा है, तो मुझे यहां से रनवे के बीच की दूरी निकालनी है और आपको दिया एंगल ये है। तो आप जानते हैं ये एंगल दिया है तो ये इसका हो गया ऑपोजिट, और आपको बच्चा देखो साइन दिया हुआ है, साइन आइन क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपो, बराबर है। आपको अपोजिट पूछा है, हाइपोटेनस दिया है क्या, कहाँ दिया बताओ, नहीं दिया है, पर उसको फाइंड करने के लिए आपको स्पीड और टाइम तो दिया है। बेटा देखो प्लेन को इतने स्पीड से इस टाइम के अंदर वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि वो सी से बी के बीच की दूरी तय कर लेगा कितने सेकेंड्स में, 54 सेकेंड्स में, कितने स्पीड के साथ, 200 किलोमीटर की स्पीड के साथ। तो बेसिकली सी से बी, सी पॉइंट सी से पॉइंट बी के जाने की बीच की जो दूरी है, दूरी यानी डिस्टेंस, वो कितनी है, तो वो तो हमें नहीं पता, डिस्टेंस तो दिया नहीं है। अरे बेटा डिस्टेंस नहीं दिया, माना आपको डिस्टेंस नहीं दिया है, लेकिन एक बात बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। आपको डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया है, लेकिन डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। अरे स्पीड दिया है टाइम दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यार, आपको स्पीड मिल जाएगा, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्टेंस यानी कि हाइपोटेनस मिल जाएगा, और हाइपोटेनस मिल गया तो क्या आप ऑपोजिट नहीं निकाल सकते। तो आई गेस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे मैंने डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम ले लिया, क्योंकि बेटा स्पीड और टाइम ही तो दिया है, और स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, फॉर्मूला है, और डिस्टेंस ही तो मुझे पता करना है हाइपोटेनस का कि ये कितनी दूरी तय कर रहा है। एक बार डिस्टेंस मिल गया यानी हाइपोटेनस मिल गया तो अपोजिट साइड नहीं ढूंढ सकते। अच्छा एक चीज आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली होगी कि ये जो डिस्टेंस आपको जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ स्पीड देखो बेटा किलोमीटर पर आवर के यूनिट में है और टाइम जो है वो सेकेंड्स के यूनिट में है, तो दोनों का यूनिट अलग है, तो आपको पहले दोनों के यूनिट को सेम करना होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप क्या करना, 200 जो किलोमीटर है उसको मीटर में करना और जो आवर है उसको सेकेंड्स में करना, यानी 200,000, क्योंकि एक मीटर में एक किलोमीटर में 1,000 मीटर होता है, इसीलिए 3 0 यहाँ बढ़ेगा, अपॉन 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स होंगे इनटू अब टाइम आप ले लो, टाइम है यहाँ पर आपका 54। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसे सिंप्लीफाई यही कर लेते हैं। तो ये क्या दिया है आपका,
ये जीरो कैंसिल, और 6 6 36, 6 9 3 2 3 3। अब यहां से इसको कर लो, 2 1 2 1 तीन जीरो बचे, तो ये आएगा आपका 1000 × 3, सो ये टोटल हो गया आपका 3000 मीटर। तो हाइपोटेनस आपको कितना मिला? 3000 मीटर। यानी जो सीबी है, जो डिस्टेंस है इस एरोप्लेन की, वो कितनी है? 3000 मीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। किलोमीटर में लोगे तो 3 किलोमीटर, तो आप इसको 3000 मीटर में ले लो। मैं बेटा इसमें भी आपको स्टेप्स नहीं कराऊंगा, आप खुद से कर लेना। क्या करोगे? ए बी रिप्रेजेंट द रनवे, ए सी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द प्लेन फ्रॉम वेयर, पूरा क्वेश्चन से कॉपी करो, हाइट ऑफ द प्लेन एट विच द प्लेन वॉज वेन इट वॉज स्टार्टेड लैंडिंग, ये उस हाइट पर है जहां से उसने लैंडिंग शुरू की है। सी बी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लैंडिंग टू रनवे, ठीक है, नॉट रहा, रनवे से इसकी दूरी है, और सीबी को आप बोल सकते हो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन व्हाइल लैंडिंग, सी इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर प्लेन स्टार्टेड टू लैंडिंग, सी वो पॉइंट है जहां से प्लेन लैंडिंग स्टार्ट कर रहा है, बी वो प्लेस है जहां पे लैंड कर रहा है, हो गया, और तो कुछ इसमें ज्यादा विशेष है नहीं। आज का सेशन भी बहुत लेंदी हो गया, क्या है कि मुझे थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा लग गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका वैल्यू ले लो, साइन 20 इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है आपका, एसी अपॉन हाइपोटेनस है आपका बीसी। साइन 20 की वैल्यू कितनी दी गई है देख लो जल्दी से, वेयर इज माई टेक्स्ट बुक, साइन 20 इज 0.342, ये आपकी वैल्यू है। एसी तो मुझे फाइंड करना है, बीसी मेरा 3000 है, यहाँ जाके क्या होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, माय एसी इज इक्वल टू 0.342 × 3000, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये 3 0 है बेटा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट से एलिमिनेट हो जाता है, 3 2 6, 3 4 12, 2 carry 1, 3 3 9 + 1 10, 1026 मीटर, ये उसकी ऊंचाई है जहां से प्लेन ने लैंडिंग करना शुरू की थी। सो आई होप कि ये सेशन आपको आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।